नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की सरकार की इस योजना के मुताबिक देश के पहले पुनर्विकसित गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन को 71 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाया गया है और वहां आधुनिक एयरपोर्ट के मुताबिक ही विश्व स्तरीय सुविधाएं भी दी गई हैं। साथ ही दिव्यांगों की सुविधा के लिए विशेष टिकट खिड़की, रैंप, लिफ्ट और सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। पूरी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सुविधाओं के साथ डिजाइन और तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार स्टेशन पर अत्याधुनिक थीम आधारित लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें 32 थीम निर्धारित हैं। वहीं स्टेशन परिसर में 5 सितारा होटल भी होगा। गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के लिए गुजरात सरकार और IRSDC के इक्विटी योगदान के साथ क्रमशः 74:26 के अनुपात में एक संयुक्त उद्यम SPV यानी गांधीनगर रेलवे और शहरी विकास कंपनी का गठन किया गया था। रेलवे के इतिहास में पहली बार स्टेशन में लाइव LED वॉल डिस्प्ले लाउंज के साथ समर्पित विशेष आर्ट गैलरी है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उनके अलावा गुजरात के CM विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश समेत अन्य कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहले बताया जा रहा था कि PM मोदी 15 जुलाई को गुजरात का दौरा करेंगे, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम को बदल दिया गया। अब PM मोदी वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में शामिल होंगे और परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें, देखते रहिए CTD न्यूज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।